इन लोगों ने नाटक कराया। सर हमने वही पूछा कि उसका उद्देश्य क्या। जब आप नाटक देखने नहीं आए तो आपको इंटरव्यू दूं मैं। एक ऐसा चेहरा आपके सामने है जिसे देखकर भोजपुरी वासियों को पहले ही स्माइल आती है, तो वो चेहरा आपके सामने विराजमान है, बतासा चाचा नाम एक बहुत फेमस है बिहार का, बतासा चाचा। उस नाम के पीछे राज क्या है आज जानेंगे बतासा चाचा से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू भैया। बतासा चाचा के नाम के पीछे क्या राज है? निरोवर रिक्शा वाला में नाम था बतासा चाचा, तब से सब लोग बतासा चाचा। अश्लीलता को लेकर बड़े सवाल चल रहे हैं आजकल की, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कब तक अश्लीलता का मार झेलते रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता कहाँ है? भोजपुरी सिनेमा कहाँ अश्लील बनता है? गानों को लेकर जो भी गाने आते हैं तो गाना भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ी है, लोग तो उसी दरमियान देखते हैं वो जिसको देखने का नज़रिया है। सिनेमा बहुत अच्छा बनता है, सिनेमा में कोई गंदगी नहीं रहती है, और हम भोजपुरी एल्बम को अपनी इंडस्ट्री नहीं मानते। हम उसको आप इंडस्ट्री नहीं मानते? मैं हम लोग हम कलाकार नहीं मानते। एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो नए लोग हैं वो काफ़ी दुविधा में हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। इधर जाएं मतलब उधर जाएं? भोजपुरी में जाएं या हिंदी में जाएं, क्योंकि वो लोग देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग ही ऊपर रुके हुए हैं। ये वो डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जाएं, वो हिंदी इंडस्ट्री डिसाइड करेगी उनको लेगी कि नहीं लेगी। उनकी क्वालिटी जो है उसके, हाँ उनके सोचने से थोड़ी चला जाएंगे कहीं, वो उस लायक होंगे तो जाएंगे। अच्छा अभी एक आपका यहाँ पे रंगमंच और बिहार चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? नाटक है, नाटक करते हैं। रंगमंच का उद्देश्य क्या होता है? रंगमंच आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। रंगमंच एक ऐसी विधा है जहाँ पर सारी चीज़ों को अपने कला के प्रदर्शन को डायरेक्ट दिखाते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है, समाज अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उठाते हैं, रंगमंच का यही उद्देश्य। उसके साथ कुछ समाज की कुछ रीतियों को भी लाने की कोशिश? समाज नाटक तो किसी न किसी अच्छे संवेदनशील मुद्दे पर ही होता है ना, ये भी किसी न किसी मुद्दे पर है ही। सर एक सवाल है, भोजपुरी में इंडस्ट्री में काफ़ी चल रहा है कि नंबर वन कौन आपके देखने से, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कौन है? इस सवाल को मैं बेवकूफ़ी का सवाल करता हूँ, और ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं इस गधा पचीसी में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं कलाकार हूँ और जानता हूँ कलाकार कलाकार होता है। नंबर वन की प्रतियोगिता जिसको करनी हो जाके कहीं दौड़े उड़े से लोगों का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवन सिंह मेरे फेवरेट है, खेसारी लाल यादव हमारे, मैं नंबर वन हूँ, सबसे नंबर वन नहीं, अब बस यही तो जानना था, बस मैं ही नंबर वन हूँ, बाकी सब जीरो हैं। अरे यार हर कलाकार नंबर वन है, नंबर वन कैसे कोई हो जाएगा? कलाकार कलाकार होता है, कलाकार को नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री में कोई रख पाया है आज तक? कोई रखेगा? गानों का रीति रिवाज सुधरना चाहिए। गाने से हमसे कोई लेना देना नहीं, गाने वालों के बारे में और गंदगी के बारे में हमसे बात मत करिए। इसी समाज से सर आप हैं? मैं उस समाज से नहीं हूँ। उस समाज की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के जो भोजपुरी समाज है उसी समाज से आप ही बिलोंग? बिहार वो कोढ़ है, वो कोढ़ उससे दूर रहना चाहते हैं। कोई बिहार का समाज ही नहीं है, वो कोढ़ समाज है। कोढ़ समाज की बात हम लोग नहीं करते। जो गाना चल रहा हो कोढ़ समाज है, कह तो रहा हूँ कोढ़ की बात मत करिए, कुछ और मुद्दे पे बात किया जाए। बिहार के युवाओं के लिए क्या लगता है आपको कि भोजपुरी में जाना सही है या नहीं? वो जाने सही है करने, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं किसी के बाप से पूछ के थोड़ी गया था कि अच्छी है कि बुरा है, ये आपका चुनाव है। कोई किसी फील्ड में जाता है, ट्रक ड्राइवर गाड़ी मोटर, वो अच्छा बुरा थोड़ी सोच जाता है। आप किसने बोला था आपको पत्रकार बनने के लिए? इसी के पढ़ाई की है तो बस खत्म बात। आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाइए। तो अभी आप देख रहे थे बतासा चाचा को, जिन्होंने सवालों का जवाब बड़े बेबाकी पूर्वक दिए हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से गानों के लेकर अभी एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, जो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री और एल्बम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिस पे आपको भी गौर करना होगा। और रहा बात अश्लीलता का, जिस पे इन्होंने भी अपने उस सवाल से जवाब दिए हैं, लेकिन उस सवाल से कटते नज़र आ रहे हैं कि उस समाज एक का एक कोड़ है, तो आप किस तरीके से देखते हैं उसको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल से कटा कहाँ जी, सीधे सीधे जवाब दिया, कटा कहाँ मैं? सर भोजपुरी समाज से आप भी बिलोंग करते हैं, बिहार के भोजपुरी वासी में से ही वो लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो गंदगी में जाए ना, हम क्यों अपना सुख करें? सर अरे भाई आपके घर का कोई कतली निकल जाता है ना, तो घर वाले लिख कर दे देते हैं कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग जैसे घर से कोई आतंकवादी निकलेगा, आप उसको स्वीकार करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ समाज के आदमी है यार,
आप गाना गाओगे गंदा, आपका समाज कैसे हो जाएगा यारो? समाज के कैसे हो जाएंगे? समाज का काम वो करता, भरत शर्मा समाज के हैं, मदन राय समाज के हैं, जो अच्छा काम करता है वो समाज का है। कि कुछ भी करे लगभग तो हाँ कैसे हम समाज के मान ली भैया? आप तो ये मत कहिए कि हमने कट के जवाब दिया है, हम चढ़ के जवाब दे रहे हैं। उस सवालों के जवाब का कहने का मेरा मतलब यही है कि मतलब हम कहते हैं कि हमारे समाज का नहीं, मेरा कहना मेरा कहना वो नहीं है। हमारा कहना है कि पूरे बिहारवासी हम लोग भोजपुरी समाज में हैं और वो भी इसी समाज के लोग कर रहा है। आप कितना विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। सवाल नहीं किया आपने सर, किया नहीं रंगमंच का जी नहीं, आपने उद्देश्य क्या आप रंगमंच का आप हमारे नाटक का सब्जेक्ट बताइए क्या था? नहीं, आपके रंगमंच का मेरे नाटक का सब्जेक्ट बताइए क्या था? उद्देश्य पूछा है, मेरे बताऊँ की अच्छी चीजें हो रही है पर इन लोगों ने नाटक कराया सर, हमने वही पूछा उसका उद्देश्य क्या। जब आप नाटक देखने नहीं आए तो आपको इंटरव्यू क्यों दूं मैं? आज रंगमंच और बिहार बेतिया के ऑडिटोरियम जो नया वाला बना है उसमें हुआ है। रंगमंच और बिहार का जो मुख्य जिनके ऊपर वो चल रहा था, जिनके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई थी, उनका नाम है मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा, जो भोजपुरी के एक जाने माने चेहरा है। आज उनका मैं इंटरव्यू भी किया, शाम में जब प्रोग्राम उनका खत्म हुआ तो शाम में मैं इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन उनके द्वारा हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। हमने उनसे सवाल किया है कि रंगमंच और बिहार का उद्देश्य क्या है, वो भी उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जो वो काम कर रहे थे उसमें मैंने सवाल किया कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, कितना अच्छा सवाल है कि लोगों को कुछ जानकारी होगा। फिर उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि भोजपुरी पे जो लोगों का जो कहना है कि बहुत सारा जो लोग है हमें लोग कॉल कर रहे थे कि ये सवाल मनोज सिंह और टाइगर से ये पूछना चाहिए, तो मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा सवाल था कि भोजपुरी के ऊपर जो अश्लीलता है उस पर आपको क्या कहना है। इस सवालों से उन्होंने कटते नजर है, उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया और उल्टे वो आग बबूला हो गए। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बनाया जिसमें उन्होंने दिखा रहे थे वो अपने मोबाइल से कि ये गलत सवाल है, उन्होंने हमारे सवालों को बेकूफी का सवाल बताया। खैर ये उनके सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके लब से वो कौन सा शब्द निकल रहा है। अब इसमें देखना क्या है कि बेकूफ कौन है, वो अलग बात है कि आप लोग इसी समाज से आगे निकल गए हैं, आप लोग पटना मुंबई बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन आप हैं तो भोजपुरी समाज के, आपको भोजपुरी समाज के सवालों का जवाब देना होगा, आप उस सवालों से कट नहीं सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अपने वीडियो उस क्लिप में जो उनके मोबाइल में वो कैद है, उन्होंने ये बताया कि आज जो रंगमंच और बिहार था वो फ्री में कर रहे थे। भाई साहब जब आप फ्री में कर रहे थे तो एक टिकट का रेट 500 क्यों था? क्या बताएंगे बतासा चाचा आप कि आपकी एक टिकट का रेट 500 क्यों था? हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आप ये देखिए उस टिकट का फोटो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जहां पे 500 टिकट है एक टिकट का रेट 500 है इस बेतिया जैसे छोटे शहर में, जहां पे कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। बताइए आप वहां पे बेतिया जैसे शहर में एक टिकट का रेट 500 रखे हैं और कह रहे हैं कि फ्री में शो हो रहा है, तो ये सारा चीज है। तो खैर ये अलग चीज है, उनका आग बबूला होना, वो सोच रहे हो कि अगर हम उस सवालों का जवाब दे देंगे तो हमें भी आगे जवाब देना होगा। सर चाचा डर रहे हैं, भाई आप डर क्यों रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों से आप डरते हैं इसलिए आपने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि भोजपुरी को अगर आप अपना मानते तो उस सवालों पे आप बोलते कि जो कर रहा है या नहीं कर रहा है लोग गलत है, अगर इस समाज के तो आप रास्ता दिखा सकते हैं। आपके आप लोगों के बातों का लोगों पे असर पड़ता है, असर इसलिए पड़ता है कि आपने एक छोटा सा रंगमंच और बिहार किया और वहां पे दर्जनों सैकड़ों लोग पहुंच गए 500 का रेट देकर, आखिर क्यों? और आपने उनका एक ये भी कहना था कि भाई जब आप कॉमेडी का शो नहीं देखे हैं तो आप हमसे मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं पूछे आपसे सवाल हम? ये कोई जरूरी है कि आपका इंटरव्यू तभी करेंगे जब हम आपका शो देखेंगे? ये कौन सा तरीका है भाई? तो पूरे भारत का पत्रकार आपको आपका कॉमेडी देखते रहेगा तभी आपसे सवाल पूछेगा? ये जो सवाल आप बेकूफी वाला किए हैं, दूसरे को बेकूफ बोलते हैं, शर्म आना चाहिए आपके जैसे एक्टर लोगों को कि इस तरीके से आप लोग समाज को आप लोग गंदा किए हैं। आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं इसीलिए समाज गंदा हो रहा है, इसीलिए समाज इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैल रहा है। खैर जो भी दर्शक हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जरूर जवाब दीजिएगा क्या उन्होंने सही किया। भाई साहब इस भोजपुरी से आप बिलोंग करते हैं, बिहार का एक एक इंसान,
जो इसी भोजपुरी से आप लोग कमाते खाते हैं, इसी भोजपुरी के नाम पे आप लोग जो भी अभी तक अर्जे हैं इसी भोजपुरी से, तो खैर वो अलग चीजें हैं। बेकूफ कहना और बेकूफ नहीं कहना, ये दोनों आप जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि आप सवाल का जवाब आप नहीं दिए हैं और उल्टे कह रहे हैं, चढ़ के जवाब दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए आप, आपके जैसे लोगों को। सवाल का जवाब आपको देना होगा, और मैंने कभी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने अच्छे से आपसे सवाल कर रहा था। लेकिन आप लोग को चाहिए कि आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें की जाए, तब आप लोग खुश रहेंगे। अगर आप सही में इस बिहार को और इस भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना समझते, या आप कह रहे हैं कि गाना हम भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग है, ठीक है भाई अलग है, लेकिन इस भोजपुरी समाज के लोग तो कर रहे हैं ना, इससे आप अलग नहीं है, आपको जवाब देना होगा।